हमारे यहाँ का पासीघाट के वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का वहां से कुछ टीम बोलता है उस लोग का से बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ जिसके कारण वो बच्चा को अपना जीवन को गवाना पड़ा। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिर से मैं आ गई हूँ नए ब्लॉग के साथ। सो आज को मैं आप लोगों का फेवरेट मिलाती हूँ आप बुचुंगे नोनो को। हाय बुचुंग, हाय नोनो। दांत भी टूट गया और आप बुचुंगे यहाँ ब्लिस्टर्स निकला हुआ है क्या व्हाइट। हाँ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा आप पूछोगे इतना दिन कहाँ गायब था आप बताओ। नोनो 1-2-3-4 पढ़ रहा था। नोनो इतना दिन कहाँ गायब था? हमने टेस्ट दे रहा था हिंदी और वो सब लोग का और पूरा सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहा था, इसलिए आप लोग गायब था ब्लॉक से। एंड हम लोग का पूरा अभी बिस्तरा मेसी है क्योंकि पूरा बाहर में सुखा दे, क्योंकि यहाँ पे नोनो और आपूचुंग मिलके पूरा मम्मा का ऊपर पेशाब किया था। एंड आपूचुंग वहाँ आईना देख रहा है। गैस देखिए आपूचुंग लड़की बनते जा रही है। खबर रास्ता भी चला रही हूँ तो अभी मेरा थोड़ा फोन का वाइब्रेशन होगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। सीट बेल्ट भी लगा लिया है, पता नहीं सीट बेल्ट ज्यादा नाटा है क्या, ये हमेशा गला में ही आ जाता है। सो वेरी अनकम्फर्ट, पूरा गला में बार बार लग के घाव हो जाते हैं, जगह में छिल जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाता है ना। सो अभी निकल रही हूँ हमारे उबर खबर रास्ता से, यहाँ से बालक से लेके चारियाली तक इतना रास्ता खराब है गैस मत बोलिए। गाड़ी निकालना भी बहुत सोच के तब गाड़ी निकलना पड़ता है ना। बालक का गदा पार्टी लोग थोड़ा से पिलअप कर दिया था लेकिन फिर बारिश आने के कारण फिर धूल से पूरा उड़ गया है। सो अभी मैं निकलती हूँ मार्केट के ओर में, घर का कुछ कुछ सामान लेना है, मेहमान भी बुलाया है। एंड भैया भी फ़ोन किया, बहुत दिन से नहीं मिला है बोले। सो भैया भी बाहर में था तो भैया को भी मैं मिलने जा रही हूँ मेरे ब्लॉग के दौरान। मेरे भैया को भी आप सामने देखने से महिंद्रा जहाँ से मैंने अपना गाड़ी लिया था, ये हाईवे है, ये बाजार तरफ जाने का रास्ता है एंड दिस इज आसाम जाने का रास्ता है। तो जस्ट महिंद्रा का जस्ट ऑपोजिट में यहाँ पे मेरा भैया का शॉप है पीपी एंग्लर्स पासीघाट इंडिया, तो जाके विजिट करते हैं। तो गाइस मेरा बहुत हैंडसम भैया को आपको मिलाती हूँ अब। सो गाइस ये पीछे देख रहे हैं मेरा भैया, अब हाय तो बोलो ना, हाय बोलो ना अच्छा से। यहाँ पे मेरा भैया का मगबो का दुकान में है, अब हाय बोलो एक बार, अभी हाय बोलो ओनर। गाइस मैंने पहले भी लोकेशन बताया दैट दिस महिंद्रा, ये हाईवे है, ये आसाम का रास्ता है एंड दिस इज पासीघाट का रास्ता। मेरा गाड़ी यहाँ पे है तो हमने ये सीढ़ी से उठा, सीढ़ी से उठ के मेरा भैया वहाँ कैमरा शाय होके खड़ा है एंड ये है वेलकम गेट पीपी एंग्लर्स, तो यहाँ का ओनर है। हाय, आपका गुड नेम? कालिंग रतन। कालिंग रतन ना, ओके। आपको यहाँ क्या क्या मिलता है? मेरे यहाँ पे आपको एंग्लर्स के लिए फिशिंग रोड, ओके, लियोर्स मिलेगा, लियोर्स का एक्सेसरीज मिलेगा ना, ओके। इसके बाद आपको कैंपिंग के लिए आउटडोर एक्टिविटी जो भी होगा, ओके, टेंट वेंट भी मिलेगा, टेंट वेंट मिलेगा, फॉलिंग चेयर, स्टूप्स, जो स्लीपिंग बैग्स ना, वो सब जब सब मिल जाएगा, ओके। सब तो हमको लगता है फिशिंग रोड है, एक दो बार मैंने भी एंगलिंग किया, तो यहाँ में क्या डिफरेंस है, इतना सारा बहुत सारा इसमें क्या क्या है? इसमें आपका साइजेस का डिफरेंस है, ब्रांड्स का डिफरेंस है और एंगलिंग का, जो जैसे कि इसमें होता है ये रोड ना, ओके, ये कुमा का रोड है, ये 7 फीट का है, ये वेट कास्टिंग के लिए, ओके, वेट कास्टिंग ना, वेट कास्टिंग के लिए वेट में जो है वो हम लोग कच्चा सामान जैसे केचू हो गया, मुर्गी का पेट हो गया, वो सब है ना, ओके, वेट के वो कैटेगरी वो वेट है, लेकिन बेट कास्टिंग जो है वो एक मशीन है ये भी, ओके, इसमें दो किस्म का मशीन होता है, एक स्पिनिंग रील्स होता है, एक बेट कास्टिंग होता है, आपको वो सेक्शन में आपको बता देगा, ओके, तो ये बेट कास्टिंग के लिए है ना, ओके, ये रोड जो, ओके, और ये जैसे कि स्पिनिंग रील्स के लिए फिर ये है, स्पिनिंग रील्स के लिए ना, ओके, स्पिनिंग, इसमें स्पिनिंग रील्स को लगा के आप कास्ट करेगा, ओके, और आपका इसमें आपको ब्रांड में तो आपको मेजर क्राफ्ट का, डाइवा का मिलेगा, ओके, नकली तो नहीं है ना सामान, जो भी यहाँ में मेरा पूरा ओरिजिनल, ओके, को आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं, ओके, क्वालिटी चेक कैसे करेगा? आप फिजिकली आके देख सकते हैं, ओके, आप ऑनलाइन में लेता है तो आपको वो वाला प्रोविजन नहीं मिलेगा ना, वही, और आपको 3-4 डेज का, मोर देन 7 डेज का वेट करना पड़ता है, वही वही वही, आपको चांसेस नहीं रहते, इंश्योरेंस नहीं होता है कि अच्छा ही सामान, तो ऑनलाइन का जैसे कि कोई कस्टमर आएगा तो ऑनलाइन दाम में देता है ना आप लोग, उससे ज्यादा देता है ना, ऑनलाइन प्राइस में ही मेरा देता है, हाँ, ऑनलाइन प्राइस, कुछ कुछ प्रोडक्ट में हमको कोरियर ऐड करना पड़ता है, क्योंकि अरुणाचल ऐसा जगह में जो आपका बहुत पीछे पड़ जाता है ना, दूर, हाँ, पड़ जाता है, हाँ, हाँ, तो लेकिन रिलेटिवली मेरा जो है वो अफोर्डेबल रेट में है, ओके, तो ये आपका लियोर्स कैटेगरी ना, ये लियोर्स है सब ना, लियोर्स है, ओके, हम लोग का ये सियांग में कौन सा ज्यादा लियोर्स को यहाँ पे खाता होगा ना, जो भी मेरे पास जितना भी लियोर्स है ना, हाँ हाँ हाँ, प्लग हो गया, ये जो हो गया आपका लियोर्स में से, जैसे ये पाला का हो गया, जेरेक का हो गया, ये सब कौन सा है जेरेक, ये पूरा, ये पूरा जेरेक का, ओके, इसमें आपका कैटेगरी लिए देखिएगा तो जैसे कि ये एक बार प्रिंटर होगा ना, okay, कार के हिसाब से, हाँ हाँ, ये लोग 110 mm का है, तो आपका स्लिमी में हो गया, रेनबो टाइगर हो गया ना, ये सब, हाँ,
और ये ब्लेंडेड फॉग है, ये सब फ्रेश वाटर स्पेशली हम लोग का नॉर्थ ईस्ट के लिए है ना। okay. नॉर्थ ईस्ट में जो भी फ्रेश वाटर चलेगा और मेरे यहाँ में सिर्फ आपको फ्रेश वाटर का मिलेगा। ओके, ओनली फॉर फ्रेश वाटर ना, सॉल्ट वाटर का बिल्कुल नहीं। ओके, ओनली फॉर फ्रेश वाटर ना। तो गाइस आप लोग देखिए यहाँ पे ये लिवर्स है, तो आप आके यहाँ चेकआउट कर सकते हैं और दाम बहुत रीजनेबल प्राइस में देगा बोला है, और मेरा नाम लेके आने से तो और 10% डिस्काउंट बोल रहा है। बिल्कुल सही है, ये देगा। और ये क्या इतना बड़ा बड़ा खाएगा क्या मछली लो? हाँ, ये रपाला का रपाला J13 है, J13 है। ओके, ये सबका अलग अलग नाम भी होता है क्या? जैसे की ये क्या नाम है? ये फायर टाइगर हो गया, फायर टाइगर। और जैसे की ये आपका सिल्वर हो गया। ओके, सबसे अलग अलग है। ओके, एंड दिस वन, ये इसका नाम जो है रेनबो ट्रोट समथिंग, और ट्रोट है ना, रेनबो ट्रोट है। ये सब लाइंस है, लाइंस है ना, में भी दो है आपका, ब्रेडेड लाइंस होता है जैसे ये ब्रेडेड लाइंस ना, ब्रेडेड है ना। हां, ये ब्रेडेड लाइंस है, ये सब सफिक्स का ब्रेडेड लाइंस है। okay. फिर ये मोनोलाइंस हो गया ना, मोनोलाइंस मोनोफिलामेंट्स में आपको मिलेगा, सफिक्स का मिलेगा। okay. ये स्पिनर, यस ट्रू, यस स्पिनर ना। और ये जेन्युइन स्पिनर, स्पिनर जेन्युइन प्रोडक्ट है इसमें, ये जो इसमें कोई भी आपको फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी बिल्कुल नहीं है। ओके, जितना भी ये सब का सब इसका ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। ओके, ये सब स्पिनर्स है ना, ये सब भी आप लोग का मछली खाता है फ्रेश वाटर का ना, इसलिए मछली फ्रेश वाटर के लिए ही है जो हमारे यहाँ चलता है सब के लिए। ओके, तो ये और ये सब क्या हो? ये तो ऑक्टोपस जैसा लग रहा है हमको, फ्रॉग है क्या ये? भी फ्रॉग है, टिपिकल फ्रॉग है, स्पेशली इसके लिए मछली, सॉरी स्नेक है, स्नेक है के लिए। ओके, और ये सब ये कभी नहीं देगा, ये फिर क्या है? ये भी फ्रॉग ही है, फ्रॉग है ना, ये सब स्नेक हेड के लिए ना, ये भी स्नेक हेड के लिए होगा। ये डिपेंड करता है कि आप स्नेक हेड में भी इसको यूज कर सकता है। ओके, ये ग्लो करता होगा रात को ना, थोड़ा ग्लो करता है लग रहा है ना, देखिए मशीन के लिए भी कर सकते। और ये सब क्या है? ये सब रोड बैग, वो रोड okay, का जो ये रोड का बैग है ना। ये सब कितने एक का? ये आपका मेरा यहाँ बहुत अफोर्डेबल है, ऑनलाइन में इसका मोर देन 2000-3000 बोलेगा, लेकिन मेरे यहाँ 999 है। ओके, 999, अब बहुत अच्छा ये में रेंज में मिल रहा है तो। ओके, बहुत अच्छा रेंज में मिल रही है ना, क्योंकि चाहिए होता है तो ना, फिशिंग बैग ना, फिशिंग बैग ना, क्या बोलेगा, रोड बैग, फिशिंग बैग। ओके, रोड बैग बोलने से अच्छा रहेगा। वेरी नाइस कलेक्शन, ये सब पूरा आपका स्नेक हेड लवर्स के लिए है। ओके, ये पूरा आधा सेक्शन स्नेक हेड के लिए, हेड के लिए है, और ये फ्रेश वाटर के लिए है ना। हां, दोनों फ्रेश वाटर के लिए, लेकिन कैटेगरीली वो मशीन के लिए बोलने से हो गया आपका, ये सीमांग नदी के लिए ना। हमारा यहाँ पे जैसे कि मैबो एरिया में आपका यहाँ में बहुत सारा आपको ये मिलेगा, वाटर पॉन्ड मिलेगा ना, नेचुरल पॉन्ड जो होता है उसके लिए, ये स्नेक जहाँ रहता है उसके लिए ये सेक्शन अलग अलग इसी के लिए बनाया गया है। ओके, और यहाँ पे ये ड्रेस जो ये यहाँ पे स्पेशलिटी ये है, ये जो है ना, ये इसको ये यूवी टी शर्ट है, यूवी और अल्ट्रावायलेट, धूप का है, जैसे कि एंगलर्स भी हो गया, जैसे कि कैंपेन कोई कोई जाता है ना, तो धूप से बचने के लिए इसको इस तरह बनाया गया है कि ये आपको वहाँ का जो सन बर्न्स होते हैं ना, उसे कंप्लीटली 100% प्रोटेक्शन देने का वो दावा रखता है जो कंपनी हमको दिया है। तो बहुत दाम होता होगा शायद? नहीं, ये भी एकदम अफोर्डेबल है, इसका भी समथिंग लाइक 999 है, और 999 ना, जैकेट टी शर्ट जो भी बोल सकते हैं। ओके, ये जो आपका इसका वाटर प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये आप ये कर सकते हैं कि आप इसको जैसे कि एंगलर्स लोग हो गए ना, उनको यहाँ आपको अपना लियर्स बैग पकड़ना है या मोबाइल कुछ बहुत सारा के लिए है, तो कैंपेन करने के लिए भी ये सब को आप पहन सकता है। वेरस ये ऑनलाइन में इसका भी कम से कम 3000-4000 होगा, लेकिन मेरे यहाँ में आपको 1399 में आराम से मिल जाएगा। ओके, तो बहुत अफोर्डेबल है। तो ईटानगर में तो एक हम गया था, वहाँ पे थोड़ा दाम था ना, नाम को नहीं बोलेगा, लेकिन वहाँ पे हम गया था ना, मतलब ऑनलाइन प्राइस से भी थोड़ा ज्यादा था। ओके ओके, हो जाएगा, लेकिन नाम तो नहीं ले देगा। अच्छा, ये वाला इसको क्या बोलता था? स्पिनिंग, ये है आपका स्पिनिंग रील्स ना, स्पिनिंग रील्स आपको पेन का, डाइवा का। Okay. सबसे कॉस्टली यहाँ पे कौन सा वाला है, दिखाइए। यहाँ पे सबसे कॉस्टली वाला जो है आपका वो है ये, फिलहाल जो है वो ये सकोरो शिमानो का। ये कितना रेंज का होता है ये आपका? 13,000 समथिंग ये थोड़ा बढ़ सकता है। क्यों बोलने से, इसका रीजन जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है उसमें हमको थोड़ा ऐड करना पड़ जाता है ना, और अदर देन डेट आप ऑनलाइन से लेता भी है तभी भी आपको यही देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा ही देना पड़ेगा, प्लस आपको 1-2 वीक वेट करना तो पड़ेगा ही। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ये क्या चीज़ है? ये जो है टेलीस्कोपिक रोड है ये। ओके, 10 फीट का टेलीस्कोपिक रोड है, इसको खोल के जैसे ये आपको हम दिखा देगा ना, ये इसको आप खोल के ऐसा बना, ऐसा लंबा के ये भी फिशिंग रोड ही है, लेकिन फिशिंग रोड ही है।
जैसे कि इसको कई लोग टू फोल्डेड रॉक को पकड़ने का दिल नहीं करता है ना, इसको आराम से आप बैग में ओके हिमाया है, बहुत थोड़ा छोटा हो जाता है ना। ये कितना रेंज का है सर? ये आपका 1000 समथिंग का है जो, लेकिन फिलहाल इसको इसको ऑफर में हम लोग 800 समथिंग में दे रहे हैं। इसका नाम जो है डेरेक डिसूजा है, बेंगलोर में रहता है। ये पेलाजिक ट्राइब बोल के बहुत बड़ा एंगलिंग का एक शोरूम है ना, और शिमानो का भी डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये मेरे शॉप में विजिट किया था शिमानो एंगलिंग फेस्टिवल में। इस बार जो हुआ था ना, हाँ, तो वो मेरे शॉप में विजिट किया था। तो हमको अच्छा फीडबैक भी देके गया है। और मेरा साथ भी उसका कोलैबोरेशन है यहाँ पे। स्नेक हेड है ना, स्नेक हेड है। ये कहाँ से पकड़ा था आप लोग? ये मेवो से ही पकड़ा है हम लोग। ये भी आप होगा? हाँ ये हमें खुद है। ये कौन सा पुल है मेवो में? तो ऐसा पुल नहीं देखा है। ये मोतुम मोतुम में एक विलेज है, वो कंस्टिट्यूएंसी में आता है। वहाँ का एक सियांग और उसका एक नदी है, उसके कंस्टिट्यूएंस में ये किया था। ये अच्छा, इसका ये क्या बोलते हैं, कितने केजी था जब आप लिया था? मोर देन 5 केजी से ज्यादा था। केचन रिलीज था ना, केचन ईट? हाँ नहीं नहीं, केचन रिलीज है, फ्रैंकलिन बोलेगा तो केचन रिलीज है। ये जो था ना, ये था उसका, ये था बच्चा लोग था। तो जैसे एंगल मेरा तो ये मानना है कि आप एंगलिंग का मजा लो ऐसे स्पोर्ट्स, बट रिलीज करो ना। यही है मेरा मोटो भी, यही है। बहुत अच्छा है। और ये भी सेम हुई है, इनका भी पकड़ा था रिलीज किया, क्योंकि इसका भी सेम था वो, ये जो बच्चा पकड़ रहा था तो रिलीज किया इसको। बहुत अच्छा है। आया गाइस, अभी अभी पूरा पानी वानी पी के रेस्ट कर रहे हैं। अब आप कहाँ में हमको खाने के लिए ले जाएगा बोला था? आप लोगों ने सभी सुन लिया है, तो आप लोग जिसको भी एंगलिंग बहुत इंटरेस्ट है, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। आप लोग का रेंज भी बहुत अच्छा से मिल जाएंगे। और गाइस अभी मैं निकलूंगी, मुझे घर जाके बहुत काम भी करना है, और यहाँ पे कुछ अपू चुंग लोग के लिए है बोला है। ये अपू चुंग नौ नंबर उसका दोस्त के लिए। थैंक यू बुरमा, थैंक यू सिस्टर। ये क्या बोलते, कस्टमर आने से अच्छा से पेश करना, हाँ, गुस्सा गुस्सा नहीं करना, थैंक यू फिर आना ऐसा बोलना। हाँ कोई कोई बहुत गुस्सा से बोलता है, तो ऐसा उनसे कस्टमर हाँ दोबारा नहीं आएगा ऐसा होगा, थैंक यू फिर आना, हाँ बोल के विद स्माइल, ठीक है बाय। अब खाना दे दो प्लीज, मामा भी खाना दे दो प्लीज 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 फॉर मी। आग बंद करो, आग कौन भेजा है मुझे? आपको ये ना, आपको ना मोई भेजा है, मोई मोई हाँ मोई भेजा है, मोई मोई कभी दिन मिलाएगा उसका, उसका दुकान है, बहुत सारा मछली मारने वाला बहुत सारा सामान है। आपको मछली मारने मन है? हमको ना छोटा ऐसा वाला किलोना वाला मछली पकड़ने वाला नहीं होता है, हाँ उसका हम खरीदने मन है। उसका मछली करेगा और बड़ा क्या पीछे लोग करेगा, हाँ मछली को पकड़ के फिर मछली को छोड़ देगा नदी में। क्या करेगा? हम तो ना उसको ना पालेगा, नॉन हम दोनों ऐसे करके बेचेगा, ट्राई करके खा देगा बोले। नहीं नहीं नहीं, हम लोग ऐसा उसके लिए तो घर बना लेगा पहले, उसके बाद मछली पकड़ के पास के मजा से देखेगा हम लोग। ओके ना, अच्छा सोच है अपू चुंग का, केचन पालेगा बोलता है और नॉन नॉन केचन कुक। आमी क्या करेगा? केचन हम तो ना घर बना, घर उसके लिए बना देगा। होगा जैसे ससा होगी, होगा होगा होगा, सुन लिया सुन लिया, सुंदर घर वासम। हाँ हाँ हाँ, चलो इसको सुंदर परी लोग को भी देखिए, सब पड़ोसी लोग को, आप लोग तीन रखो और सब पड़ोसी लोग को देखिए, जो बात किया, शेयरिंग इज लविंग। तीनों ट्यूशन चला गया तो मैं इसी दौरान फटाफट खाना सब्जी बना रही हूँ, और आप लोगों को मैं जिनसे बता रही हूँ, यहाँ पूछी भी आ गया, हमारा घर में दो दो पूछी हो गया गाइस, दो दो हम लोग प्यासे से मिनी बुलाते हैं। आप लोगों को ये बताना चाहते कि इतने दिनों से मैंने ब्लॉग क्यों अपलोड नहीं किया, क्योंकि आई वॉज रियली रियली सो बिजी, आप लोग को पता है, तेजू से मैं पासीघाट खुद पोस्टिंग लेके आई हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ आने के बाद में फिर घर शिफ्टिंग, फिर घर इधर उधर, फिर इतना सारा काम, फिर नौनों आपको जुम लोग का ये ज्वाइन करना, स्कूल ज्वाइन करना, स्कूल बार बार चेंज होना, जो में मैंने एडमिशन किया, स्कूल ड्रेस पूरा सिलाया, पूरा एक साल का पैसा दिया, पानी में चला गया, फिर मेरा पोस्टिंग आया जून जुलाई अगस्त को, फिर यहाँ के फिर एक स्कूल में दिया, वहां में भी पूरा नहीं हो पाया, फिर मेरा पोस्टिंग बस्ती में बालक में हो गया। टोटल गाइस तीन बार मैंने स्कूल एडमिशन किया एक साल में, तो मेरा सोच के देखिए क्या हाल हो रहा होगा। सो एनीवे गाइस, इसलिए मैं बहुत बिजी थी, फिर किचन विचन बनाना, एंड मेन में फेसबुक मेरा नया अकाउंट है यांकी YANGKEE यांकी TAYANG टैंग, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग फोटो भी देख सकते हैं, इसमें जाके आप देख सकते हैं तो पता चल जाएगा। मैं बहुत बिजी थी,
जुनू होटल का बारे बात कर रहा था। आसाम में एक होटल था जहाँ बहुत सारा इनह्यूमन एक्ट हुआ था लोगों का, तो उसमें मिल जाएगा। एंड यस, हमारा यहाँ पे जो एक मर्डर केस हो गया था यहाँ पे लेट ओलिव मुखर्जी का, यहाँ पे इनह्यूमन एक्ट हुआ था यहाँ पासीघाट के कोई रिहैब सेंटर में। तो वो रिहैब सेंटर भी अनऑथोराइज था, और हमारे यहाँ का पासीघाट के वोमेन ऑर्गेनाइजेशन का वासे कुछ टीम बोलता है उस लोग का से बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ, जिसके कारण वो बच्चा को अपना जीवन को गंवाना पड़ा है ना। सो इतना ही, बाद में मैं और आप लोगों को डिटेल में बताऊँ। पक गया है, अभी पकाऊंगी बॉयल सब्जी। नोनो खत्म ही कर दिए, कैसा है मामा का बनाने वाला? कुछ कैसा है आप जो कैसा है? टेस्टी है। ओ भगवान, आराम से खाओ, आराम से आराम से। तो तीनों यहाँ खा रहे हैं। अभी होगा डिनर, यहाँ पे है बॉयल सब्जी, लोकल राइस, खियारते अम्बन, एंड यहाँ पे असुना का मम्मी खा रही है। एंड असुना मम्मी बनाई है लोकल चिकन, बहुत देखने में टेस्ट लग रहा है। एंड असुना बहन वहाँ खा रही है, और ये बनाया है असुना, और ये है मेरा थाली, मैं अभी ढालूंगी। असुना का मम्मी यहाँ आए, कैसा लगा पासीघाट विजिट करके? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा लगा। तो गाइस, स्कूल से आज 2 अक्टूबर है, स्कूल से मैं अभी आई प्रभात फेरी करके, एंड देन यहाँ पे अपूचुंग को मैं फिर खाना कर दे रही हूँ। अपूचुंग जब मैं आ रही थी तो वो मीट काटने वाला के ऊपर बैठ के मज़ा से बिस्किट खा रही थी। एंड देन ये बॉयल सब्जी विथ चिकन बॉयल, वाह। अपूचुंग मम्मा स्कूल जाके आएगा, आप इसको खाना खा के अच्छा से हाथ धुला के बैठो, हाँ सदन टीवी देख के बैठो, दे हम आ जाएगा दे। फोन देख सकता है? नहीं, फोन नहीं देख सकते, अभी टीवी देखो, बाद में दिन को देखो। हाँ चलो, इसको खत्म करेगा लेकिन, हाँ पूरा खत्म करने के बाद में हड्डी को ये पूछी दोनों को बाहर में दे दो, ठीक है? लेकिन ये पूरा खाना खत्म होगा, सब्जी भी खत्म होगा, ये हड्डी पूछी को देगा, वो उसका बाटी में देगा। बाटी हाँ, मधुमक्खी नहीं खाएगा, हो जाएगा उसको दे दो। हाँ लेकिन अब ये खाना खत्म करेगा, सुना है ना? सुना है कि नहीं? मम्मा स्कूल जा के आ रहे हैं। नौ नौ देखिए, हगीज पहन के वो पूरा सो रहा है उल्टा करके, वो पाई ने अभी तक हगीज पहनते, एडल्ट हगीज पहनाना पड़ता है, वो भी XL साइज में। यहाँ सोई थी, यहाँ नोनोंग, यहाँ अपूचुंग, बीच में मैं सोती हूँ, तो अपूचुंग और नोनोंग मुझे पूरा यहाँ पे चपटा पराठा।